कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 6। और गाइज, मैं उठ के तैयार होके अब हम जा रहे हैं चंडिका घाट मंदिर। तो गाइज, मौसम है, अभी का मौसम तो अच्छा ही रहता है, आपको पता ही है। तो अभी का मौसम अच्छा है, तो गाइज अब चलते हैं, आगे का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइज, अब होगी शीतल की एंट्री। जय माता दी। मॉर्निंग व्यू गाइज, दादा को देखो। ये बहुत भारी है, ये उससे भी भारी है। तो मेरे को चलना वैसे मुश्किल हो रहा है। हाँ। और मैं खुद भारी हूँ। हाँ, खुद ही मेरा कितने किलो का वेट है? 10 किलो। और देख सकते हैं कितने नीचे से आए हैं, और अभी भी हमें जितना है उससे ज्यादा चलने। थकान हो गई गाइस, बहुत गंदी वाली। हेलो गाइस, ऐसी वाली थकान। हाँ, दादा खरीदने वाले, दादा बेचने वाले। फिर गाइस, अभी हम आधा ही आए हुए, अभी आधा और जाना है हमने। इतने में आफत आ गई, और मॉर्निंग व्यू देख सकते हैं गाइस, कई प्यारा। नीचे सारी है भाभी श्री, भाभी श्री को लग गई थकान, उससे ज्यादा मुझे लग गई। पूजा वाले आगे पहुंच चुके हैं, बकरी और लोग, अभी हम बहुत पीछे हैं क्योंकि बहुत चल रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा। मर मर के नहीं बोलूँ तो कैसे बोलूँ, अब तो आवाज भी नहीं निकल रही है। दादा आवाज भी नहीं निकल रही यार अब तो। तो गाइस, मिलते हैं ऊपर पहुंच गए। ये है फर्स्ट मंदिर, नीचे से ऊपर को आते वक्त का। जय भोले बाबा। तो गाइस, हमें वहां पे तक जाना है अभी। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर घर है। है गाइस भोले बाबा जी का मंदिर पाताल भंडेश्वर में। पाताल भंडेश्वर इसके उस साइड है जहाँ गुफा है, तो हम वहाँ जाएंगे बाद में, अभी हमें जाना है दूसरी जगह। गाइस, हम पहुँचने वाले हैं रोड में, और ये देखो भाभी का बिछड़ा भारी हो रहा था तो मैंने ऐसे डाल लिया मेरे पीछे से। तो गाइस, रोड पे मिलते हैं। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं रोड में। ये है हमारी गाड़ी, ये है हमारी बकरी माँ। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे को, क्योंकि थोड़ा सा चलना है, थोड़ा क्या है, चलना ही है। और पीछे से आप देख सकते हैं भाभी आ रही है और शीतल, और आधे लोग चले गए नीचे, और आधे लोगों की गाड़ी भी पहुंची नहीं है। और आप इधर देख सकते हैं कितना सुंदर है, वो नीचे पे है नदी, तो हमें उस पार जाना है। अभी हम इस पार हैं, तो पहले हम इधर इस साइड पूजा करेंगे, फिर हम जाएंगे उस साइड को। तो गाइस, अभी चल लेते हैं, एक बार आपको आगे का लोकेशन दिखाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यू। गाइस, वो देख सकते हैं, वो है नदी, ये गेट है, मतलब ये मंदिर है, और इधर पे गेट है इधर का। और वो देखो ताई जी लोग जा रहे हैं, और देखो यहाँ पेड़ ही पेड़ है, तो बहुत सुंदर लगता है, देख सकते हैं। इधर से हमें थोड़ा सा पैदल चलना है, फिर वहाँ पे से ज़्यादा पैदल चलना है, क्योंकि वहाँ पे से रोड ना मतलब रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। अभी आपको दिखाते हैं गाइस, ये है फ्रंट गेट मंदिर का। जय माता दी। कर दी मैंने भाभी का। हेलो गाइस, चाय पी लो। ये
माता रानी का मंदिर है। आप ओ भाई पीछे पीछे था, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। दिखाना व्यू है। घंटी बजा यहाँ पर, घंटी बजी। यहाँ जाना है गाइस, हमने तो गए इधर तो हम लोग पहुंच चुके हैं, और इधर से अभी नीचे को चलना है। यहाँ से होते हुए रास्ता है उधर से, फिर वहाँ पे पुल है, वहाँ से इधर को वो रास्ता जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, वहाँ से फिर हमें जाने वाले मंदिर में, वो है मेन मंदिर चंडीगढ़ घाट का, और ये है नदी। तो गए अब चलते हैं उधर को। तो गाइस अब चलते हैं हम उधर, फिर से अपना सफर कंटिन्यू करना है अपने भाई। तो और मैं गिरेंगे और कुछ नहीं कर मैं। ये हील्स पहन क्या किसने गाते थे इधर, ये बता दो मेरे को पहले। तो गाइस चलते हैं और आगे जाके मिलते हैं आपसे। क्या डर रहे हो यार भाभी, हिलाओ पुल। देखिए ना ये ब्लॉग हड्डी मिल रही नीचे, हड्डी भी नहीं मैं ही मैं है। अच्छा ना, अरे बहुत हिलता है। अरे कुछ नहीं होता यार, इतना थोड़ा हिलता है, ये हिलता भी है तो डर नहीं लगता। तो गाइस हमने कर लिया पुल क्रॉस, और ये पुल हिलता है थोड़ा थोड़ा सा, और ज़्यादा लोगों को आप सीख सकते हैं। आइए आइए, ऊंचो मेरा पैर कट गया रे। तो गाइस यहाँ पे से होता है एडवेंचर स्टार्ट। चलो सोनी, ये दे चप्पल भी हाथ में पकड़ सकती थी बेटे। चलो 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 चलो, मैं तो खतरों के खिलाड़ी हूँ। अरे नहीं गिरूंगी। फाइनली गाइस पहुंच गए हम लोग इधर।
शायद बनाने की तैयारी चली आ रही है। तगड़ा शेफ मिस्टर दीपक मेहरा तगड़ा लग तो कहीं तगड़ा रहे आएगी मुझे पानी नहीं आ रहा। गाइस प्रसाद वसाद सब बन गया और हम जा रहे हैं अब नहाने के लिए। और नदी का पानी बहुत गंदा है फिर भी हम नहा लेंगे कोई बात नहीं। देख सकते हैं ये देख सकते हैं गाइस कितना खतर। हम लोग नहा के आगे और हमारी खरे को और अब हम ये खा रहे हैं प्रसाद और इसके बाद हम हाट और मटन तो गाइस खाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। इस खाना वाना भी हो चुका है और देखो मैंने चेंज कर लिया था वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे कपड़े गीले हो गए थे। तो गाइस अब चलते हैं हम लोग घर को धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। करने के वाले हो आप किसी बंदर देख सकते हो कितने कूद रहे हैं भाई। अगर मेरे को लेके चले गया ना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सब लोगों की हालत कैसी हो रही है ख़राब जाते हुए तो बड़े छाले हो रखे थे ना। अभी तक तो हम फुल एनर्जी में होते हैं। हाँ एनर्जी हवा हो चुकी है सबकी टाइट। गाइस हम सब पैदल हो चुके हैं गाड़ी से दादा का मंत्र फेल हो गया। नहीं भाई मेरा मंत्र फेल नहीं होता एक बार सूख गई मंत्र में बहुत पावर है। ब्लॉग अच्छा हेलो गाइस वेलकम टू चंडिया घाट हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आपको गाड़ी से पैदल होके कैसा लग रहा है अपनी गाड़ी तक नहीं आई है। गाड़ी दिखने दी है गाड़ी वाले ने हमें बहुत वेट करवा दिया वहाँ धूप आ रही है बारिश आ रही और बारिश आ गई दादा बस मैंने थोड़ी देर रुकने की गारंटी दी थी पूरी। देख लो दादा आपके मंत्र खाली निकले भाई मंत्र एक ही बार देख रहा बारिश आए भूकंप आए कुछ आए ये देखो वहां सोए रहूंगा बल मंत्र अब दोबारा लग गया कंधे में बड़े हाथ रख के बैठे रहूंगा बल अब दोबारा लग गया वो देख कंधे में बड़े हाथ रख के ये बकरी काटने वाला 5000 बकरी काट चुके अभी तक ओनली वन शॉट आज तक उसने कसम खा रखी जिस दिन मैं दो बार बकरी काटूंगा उस दिन बड़े हाथ भी फेंक दूंगा और बकरी काटना भी छोड़ दूंगा। देखो बड़े आठ मिस्टर बड़े आठ क्या कहते हैं गाइस मैं चंडीगढ़ घाट से तो पहुंच गई थी पर बारिश बहुत ज्यादा आ गई फिर हम लोग आए उसमें क्या बोलते हैं उससे पिकअप में आए हम लोग और ये देखो मेरे लिए रुके थे ये लोग रुके थे हम लोग और मेरा सामान सबने पकड़ रखा गाइस मैंने भी इतना बड़ा बैग पकड़ रखा है ऐसा कुछ नहीं है और मैं भी भीग गई हूँ ये लोग भी भीग गए थोड़ा नहीं सब ज्यादा मैं भीगा हूं गाइस ऐसे काम भी करता है फिर ये देखिए भीगने जैसे पिकअप के उसमें लगा रखा था ताकि भीगे ना हाँ। ये बाहर बैठा खड़ा ये बाहर पे खड़ा था ऐसे अब कौन नहीं भीगेगा था ऐसे बहुत ही ईमानदार तो गाइस अब हम चलते हैं क्योंकि बारिश भी आ रही है और आ सकती है हम और भीग जाए इससे अच्छा हम पहले निकल जाते हैं तो हम आपसे मिलते हैं सीधे घर जाके तब तक का बने रहिए हमारे साथ। और गाइस हम लोग घर पहुंचने वाले हैं अभी पहुंचे नहीं है तो आज की लोकेटिंग यहीं पे कर देते हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और गाइस शेयर जरूर करना शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय।